राजधानी दिल्ली में चार दिन पहले दिन दहाड़े हुई एक चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक रॉड की मदद से चोरों ने पहले घर का दरवाजा तोड़ा और फिर लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर रविवार को रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होने की खबर के बाद लगाए गए इमरजेंसी अलर्ट को 3 घंटों बाद ही हटा लिया गया। रविवार को फ्रांस से कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लाए गए एक पार्सल में रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होने की खबर के बाद एयरपोर्ट पर तनाव की स्थिति बन गई थी। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से लगने वाले व्यापार मेले में इस बार दिल्ली का थीम डिजिटल इंडिया होगा। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ट्रेड फेयर को लेकर हुई एक मीटिंग में इस बात की जानकारी दी। पिछले साल PM मोदी ने डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत की थी। दिल्ली महिला आयोग जल्द ही दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर खोलेगा। इन सेंटर्स में रेप पीड़ित और दहेज उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी और कानूनी सलाह दी जाएगी। DCW के इन सेंटर्स को केंद्र सरकार आर्थिक सहायता देगी। दिल्ली में उत्तम नगर से AAP विधायक नरेश बालियान के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज हुआ है। ये केस एक पूर्व AAP कार्यकर्ता और मोहन गार्डन RWA अध्यक्ष हेनरी जॉर्ज की शिकायत पर दर्ज हुआ। हेनरी ने नरेश बालियान पर उनके ऑफिस में जबरन घुसकर हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। नरेश बालियान के एक सहयोगी ने भी जॉर्ज हेनरी पर मारपीट का केस दर्ज कराया है। मुंबई में आज से लोकल ट्रेन में यात्रा करने वालों को नई सौगात मिल रही है। मुसाफिरों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर आज से पश्चिमी रेलवे मुंबई में 8 नई लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू करने जा रहा है। 4-4 गाड़ियों को अप और डाउन दिशा में बांटा गया है। मुंबई में एक महीने पहले हुए ट्रैफिक पुलिस सिपाही विलास शिंदे के मर्डर केस में खार पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को चश्मदीद गवाह बनाया है। इस मामले में 2 सगे भाइयों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। पुलिस ने इस केस में 700 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। मुंबई में रविवार को लोकल ट्रेन में सफर करने वालों को मेगा ब्लॉक के कारण खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेगा ब्लॉक से हार्बर रूट की ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित रही। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच हार्बर रूट पूरी तरह बंद रहा, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सेंट्रल रूट की ट्रेनें भी मेगा ब्लॉक के चलते देरी से चली। मुंबई में मोनो रेल का केबल गिरने से मध्य मुंबई के NM जोशी मार्ग इलाके में बड़ी दुर्घटना होते होते बची। NM जोशी मार्ग इलाके में बावला बज से लालबाग के साईं बाबा मार्ग के बीच मोनो रेल को बिजली सप्लाई करने वाले केबल का एक हिस्सा अचानक गिर गया। केबल गिरने से सड़क यातायात पूरी तरह बाधित रहा। दुनिया भर में मशहूर मुंबई के डिब्बे वालों ने अब कपड़ा बैंक शुरू करने का ऐलान किया है। सफलतापूर्वक रोटी बैंक शुरू करने के बाद अब डब्बे वाले कपड़ा बैंक शुरू कर जरूरतमंदों की मदद करेंगे। डब्बे वालों ने मुंबई के लोगों से कपड़ा दान करने की अपील की है, जिसे जरूरतमंदों में बांटा जाएगा।